वेलकम टू बैक माय चैनल डॉली किचन। आज मैं आपके सामने गाजर का जूस बना रही हूँ, वो भी सिर्फ दो मिनट में। मिक्सर के अंदर हम इसे बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं गाजर का जूस, वो भी मिक्सर के अंदर। 5 मिनट में गाजर का जूस तैयार करेंगे हम। इसके लिए हमने बारीक गाजरें ली हैं, 5 गाजरें छोटी-छोटी। इसे मैंने अच्छे से छील के धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसका अगला और पिछला हिस्सा काट के अलग कर दिया है, और इतने में मैंने ये थोड़ा सा लिया है चुकंदर। अगर आपके पास चुकंदर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट चुकंदर से और भी ज्यादा हेल्दी हो जाता है। ये मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये मैंने 10 से 12 पत्तियां मिंट की ली हैं पुदीने की, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। 1 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस लिया है और थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, गाजर को बारीक टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे, क्योंकि उससे फिर पल्प जो है अच्छे से तैयार नहीं होता, बहुत देर लगती है। जितना छोटा होगा उतना ईजी होगा। आप देख रहे हैं इस तरह से मैं इसके टुकड़े कर लूंगी। आप देख रहे हैं मैंने गाजर को, अदरक को और चुकंदर को, तीनों चीजों को मैंने काट लिया है, और अब इसे मैं एक ब्लेंडिंग जार में डाल दूंगी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी, और इसी के अंदर मैं पुदीने की पत्तियां डाल दूंगी। 2-3 पत्तियां मैं रख लूंगी गार्निश के लिए। गाजर को ब्लेंड करने के लिए इसमें मैं 1/2 ग्लास पानी डालूंगी, और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसका पल्प तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा पल्प तैयार हो गया है। इसे 1 मिनट लगा है, हमें ज्यादा देर नहीं लगी इसे ब्लेंड करने में। अब एक स्ट्रेनर लेके हम इसे स्ट्रेन कर लें। एक छलनी से इसे पल्प को अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से इसको छान लेना है। आप देख रहे हैं पल्प को मैंने अच्छे से छान लिया है, बिल्कुल सूखा रह गया ये। और इसे छानने के बाद आप इसे फेंके नहीं, आप अगर सब्जी बनाते हो तो ग्रेवी के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मैंने काला नमक यूज किया है, और ये हम डालेंगे लेमन जूस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी गाजर का टेस्ट ज्यादा मीठा नहीं है तो आप इसमें हल्की सी पाउडर शुगर डाल सकते हैं। ये हमारा गाजर का जूस बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, हमने इसे 5 मिनट के अंदर तैयार कर दिया है, और हेल्दी भी बहुत है, और वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा जूस है। सर्दी का मौसम है और गाजर बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे घर पे ट्राई जरूर करें, जरूर बनाएं, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।